हज़रत अब वक्त है शुबे का अजाला, और शुबे का अजाला कुछ ऐसा है कि कुछ कन्फ्यूजन भी है। एक सवाल में शायद दो तीन सवाल हैं, और वो यूँ कि किसी ने ये पूछा है कि इस दुनिया में क्वार्ट्रिलियन लोग, इंसान, जानवर, दरिंद, परिंद, कीड़े मकोड़े सब रहते हैं, और इन सब चीज़ों की देखभाल करने वाला अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ही सबको रिस्क देता है, अल्लाह ही सबकी हिफाजत करता है, या जो भी होता है। तो जो मांगने वाला है वो अल्लाह से मांगता है। तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि अल्लाह इन सब की दुआएं और ज़रूरतें कब और कैसे समझ लेता है। क्या अल्लाह के पास कोई मुशीरान हैं, क्या वज़ीरान हैं, क्या कोई ऐसा बहुत लंबा सिलसिला है जिनके पास ये महकमे हैं, और इसी को उन्होंने फिर यहाँ से यूँ कह दिया कि ये बात साबित ऐसे होती है कि जैसे सुबह शाम फरिश्ते जो हैं वो इंसानों के अमाल लिखते रहते हैं। तो क्या अल्लाह, ये भी उन्होंने पूछा है कि क्या अल्लाह भूल जाता है जो ये लिखवाता है चीज़ें सारी, कि सुबह शाम लिख लिया जाए ताकि उसके हिसाब से उनके लिए बर्ताव किया जाए। तो कुछ अल्लाह के ऊपर इन्होंने ऐसा लगता है कि शक जाहिर कर दिया कि पता नहीं शायद अल्लाह है या नहीं है यूँ, और ये कि अगर अल्लाह है तो ये चीज़ें, ये निज़ाम कैसे चल रहा है। तो इनकी कन्फ्यूजन है काफ़ी ज़्यादा। कहते ही हैं कि उन्होंने ये यहाँ तक लिखा कि अल्लाह किसी को तो बहुत कुछ दे देता है, किसी को पानी पीने को भी नहीं मिलता, तो अल्लाह ने मतलब कहाँ वहाँ देख नहीं रहा अल्लाह कि उन्हें पानी चाहिए। तो मतलब इतने शक व शुबहात की बातें इन्होंने कर दी। फरमाइए आप क्या कहेंगे। अच्छा बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। काफ़ी उलझन है इन साहब को जी। पहली बात यूँ कि अगर ज़रूरत और भूलने की बात है कि अल्लाह शायद भूल जाता है, तब भी अल्लाह को फरिश्ते रखने की ज़रूरत पेश आ गई जी। तो ज़रूरत की बात है तो फिर तो फरिश्ते भी रखने की ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह को तो फिर फरिश्ते भी पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत की बात है, क्योंकि अल्लाह को फरिश्तों को पैदा करने की ज़रूरत नहीं, तो वो पैदा कर दी है, बल्कि मुझे और आपको भी पैदा करने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं थी। हाँ। तो फिर अल्लाह ने हमें क्यों पैदा कर दिया, ठीक है ना। और ये कायनात पूरी बना दी, पूरे बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बना दिया। तो मालूम है कि हर चीज़ ज़रूरत की वजह से नहीं होती, बात चीज़ें मसलहत की वजह से भी होती हैं। अल्लाह की मसलहतें हैं, उस मसलहतों के तहत अल्लाह बनाते हैं। जैसे इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ने ख़ुद उसकी मसलहत बयान कर दी कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों की जो तख्लीक की है किसी ज़रूरत के लिए नहीं, अपनी इबादत के लिए की है, ताकि वो इबादत करें। तो गोया कि इबादत और इताअत के लिए अल्लाह ने उनकी तख्लीक की। तो इबादत ये एक मसलहत है जिसके तहत पैदा किया गया, वरना अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। इवन अल्लाह को हमारी इबादत की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसलहत है कि आबिद बंदे बन के रहें, ममलूक मालिक को पहचाने, मरजूक राजिक का जो है जिक्र करे, क्योंकि ममलूक अपने मालिक को देखे। तो ये एक मसलहत है, और ये मसलहत के तहत जो अल्लाह ने फरिश्तों को भी पैदा किया, इंसानों को भी पैदा किया। तो वरना तो एतराज़ इसी पर चला जाएगा। तो फिर अल्लाह जब था तो अल्लाह को अपने अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस अल्लाह अपनी ज़िंदगी जीता, क्योंकि वह हय्युन क़य्यूम है, बस रहता। लेकिन ये सारा कुछ क्यों बना दिया, किसी ज़रूरत के तहत नहीं, इसलिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन सारा है ही उसी का, उसको कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता मसलहतें हैं, तो मसलहत इबादत की। इसी तरीके फ़रिश्ते जो अल्लाह ने पैदा कर दिए, उनको लिखने पर जो लगा दिया, ये एक मसलहत है। और मसलहत यह है कि ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ करनी है, क्योंकि कल को अदालती कार्रवाइयाँ होनी हैं। और यही वजह कि काजी जो है अपने इलम के मुताबिक इलम पर फैसला नहीं कर सकता किसी चोर के चोरी का। अब किसी चोर को चोरी करते देखा और काजी ने फैसला कर दिया इसके हाथ काट दो, नहीं, उसको पूरी अदालती कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उस पर उसको गवाह मुतय्यन करने पड़ेंगे, चोरी साबित करनी पड़ेगी, और माल गैर का साबित करना पड़ेगा। अब जाके तो अदालती पूरी कार्रवाई होती। भाई किताब खोलो, फ़लाँ टाइम फ़लाँ लम्हे ये तुमने गुनाह किया जी, किया और ये किया जी किया। अब लिखा हुआ सारा अमालनामा सामने आ रहा है, और फिर उसके ऊपर गवाह दाएं बाएं ज़मीन ईंट पत्थर भी गवाहियाँ दे रहा है, हाँ जी इसने किया। इवन वो ज़्यादा चपड़ चपड़ करेगा, हदीस में आता है कि अल्लाह का कहा अच्छा ठीक है ज़बान बंद करो, ज़बान उसकी बंद कर दी जाएगी, तो उसका हाथ बोलेगा खुद कि हाँ जी इसने मेरे इस हाथ से जो है इसने फ़लाँ नामहरम को हाथ लगाया था। आँख का यहाँ मुझसे इसने फ़लाँ को देखा था, फ़लाँ कान का जी इसने फ़लाँ गुनाह सुना। आज़ा बोलेंगे। अब जब आज़ा बोलेंगे तो वो कहेगा कि जालिमों, मैं तुम्हारी राहत के लिए तो ये सारा कुछ किया था और तुम जालिम आज मेरे खिलाफ बोल पड़े। वो कहेंगे जी अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह के अमर से नहीं हट सकते, अल्लाह ने जो कहा हम सच सच बोलेंगे। तो गोया कि ये सारे गवाह इसलिए अल्लाह कायम कर रहा है अपने इलम की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पूरी कज़ा के उसूल की बुनियाद पर, ताकि क्यों ये ना कहे कि यार ये अल्लाह ने जुल्म किया। अल्लाह अपनी तरफ जुल्म का कोई निस्बत नहीं करवाना चाहता, वो अदल के साथ पूरी अदालती कार्रवाई के बाद यहाँ तक वो खुद मान जाएगा कि हाँ वाकई हुआ है, अब उसके बाद उसको जहन्नम में डाला जाएगा, ताकि जहन्नम में जलते हुए ये ना सोचे कि यार अल्लाह मैंने जुल्म किया, वो कहेगा यार मेरे अपने करतूत से जो आज मैं जल रहा हूँ। इसलिए अल्लाह ने ये सारा अदालती निज़ाम रखा है। तो बिल्कुल इसलिए मलाइका का जो वजूद है वो इसीलिए ताकि अदालती कार्रवाइयाँ जो है वो बिल्कुल पूरी पूरी हों। अब रहा ये सवाल कि अल्लाह ने इतने फरिश्ते रख लिए कि अल्लाह मियाँ सबको कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई ये रखना तो कंट्रोल की अलामत है, अकेला होना तो कंट्रोल की अलामत बज़ाहिर नहीं है। अब एक बादशाह अकेला है, तन तना, उसके हुक्म पे कोई नहीं चलता। अब मलका एलिज़ाबेथ है, अब मलका एलिज़ाबेथ की मलूकियत आप जानते हैं क्या है, बस वो अकेली मलका ही है, उसका हुक्म तो एक सिपाही पे नहीं चलता। तो मालूम है कि वो अकेले की क्या ताकत क्या ताब है। कंट्रोल तो इसको कहते हैं उसके एक हुक्म पर सारा मुल्क खड़ा हो जाए, सारी फौजें जनाब अलर्ट हो जाएं, इसका मतलब सारे उसके कंट्रोल में है, इसका मतलब ये है कंट्रोल। तो अल्लाह मियाँ सबको जो लेकर चल रहा है, इसका मतलब अल्लाह का कंट्रोल इतना है कि एक पत्ता भी उसकी मंशा में हिल नहीं सकता, एक जर्रा हरकत नहीं कर सकता। उन्होंने उससे तो ऐसे लश्कर अपने बना रखे हैं, फरिश्तों की ऐसी जब वो मखलूक पैदा कर रखी है कि पल पल में उसके एक एक हुक्म को पूरा करती है। कोई कौम जो सरकशी करती है, फरिश्ते आके जब वब मारते पर सबका मुँह औंधा कर देते हैं। तो ये तो अल्लाह के कंट्रोल की अलामत है कि अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए से सब चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है। अब रहा ये सवाल कि अल्लाह को फरिश्ते क्यों बनाए, अल्लाह की अपनी ताकत नहीं थी कि कंट्रोल करता, थी, कर सकता था। लेकिन इसमें मसलत यह है कि अल्लाह असल में जैसे दुनिया के अंदर बादशाह होते हैं, तो अल्लाह भी अपनी बादशाही करता है, वो बादशाहों का बादशाह है। तो बादशाह जो होता है उसकी दुनिया के अंदर तरतीबी होती है कि बादशाह के आगे वज़ीर होते हैं, मुशीर होते हैं, आगे उसकी फ़ौजी होती हैं, पूरा आयान होते हैं, ठीक, और उसके तहत सारे फैसले करता है। तो अल्लाह ने सिर्फ ये तासुर दिया है कि मेरी भी एक बादशाहत है और मेरी भी आगे कारिंदे हैं, मेरी भी फ़ौजें हैं, मेरी भी लश्कर हैं, यहाँ तक कि सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी फ़ौज का सिपाही है, दरियाओं के लश्कर उसके जो फौजी हैं, हवाओं के तौदे जो है वो तूफ़ान ये उसके लश्कर हैं। तो वो अपने लश्करों को इस्तेमाल करता है, हवा को इशारा देता है तो जब वो कौम हूद जब औंधे मुँह पड़ी होती है, पानी को इशारा देता है, बनी इसराइल जो फिरौनी जो है वो जो डूबते नज़र आते हैं। तो ये सारी तो ये अल्लाह के कंट्रोल की अलामत है। तो अल्लाह ने एक बादशाहत का तासुर दिया है, तभी अल्लाह ने अपने अर्श का जिक्र किया कि अर्श पे अल्लाह है। तो कहा कि जब बादशाह का तख्त होता है, अल्लाह ने अपने एक तख्त का भी तासुर दिया है, तो ताकि ये लगे कि एक बादशाही के निज़ाम के तहत चल रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कभी जमा का सीगा अपने लिए इस्तेमाल करता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलत, हमने नाजिल किया कुरान को, हालांकि हम में तो वो एक है, कहना चाहिए मैंने नाजिल किया नहीं। तो अकेले का सीगा भी अल्लाह इस्तेमाल करता है क्योंकि वो अपनी हकीकत पर कि मैं यकता हूँ है, और कभी जमा का सीगा इस्तेमाल करता है वो अपनी सारी ताकत को सामने रख के कि मैं अकेला नहीं, सारी मखलूक़ात जो है वो मेरा लश्कर और ताकत है। तो फिर इन्ना अंज़लना कह के बोलते हैं अल्लाह ताला, तो जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। जैसे बादशाह जो है अपने मुल्क की सारी ताकत को सामने रख के कहता है हमने ये फ़ैसला किया, आज के बाद ये होगा, तो वह हम का लफ्ज़ यूज़ करता है, तो कि सबकी क़ुव्वत, जैसे आज का बादशाह पार्लियामेंट की और सेनेट की सबकी क़ुव्वत जो असम्बली की क़ुव्वत बोल रही है, तो बादशाह बोल। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारा किया। अब रहा ये सवाल कि भाई हमें पानी का घूंट नहीं दिया और उसको अल्लाह में इतने जनाब ख़जाने दे रखे, तो इसमें मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, इसमें अल्लाह का कसूर नहीं है, इसमें तकसीम दौलत करने वालों का कसूर है। अल्लाह ने आसमानों से ख़जाने बराबर उतारे हैं, हर एक का पूरा पूरा रिज़्क़ हिस्सा उतार दिया है जिससे उसको जीना है। लेकिन दुनिया में उतारने के बाद अब दुनिया के काम जैसे फरिश्तों की जिम्मेदारियां लगा रखी है, ऐसे अल्लाह ने इंसानों की इंसानों में भी लगा रखी हैं। किसी को हाकिम बनाया, किसी को महकूम बनाया, किसी को वज़ीर बनाया, किसी को बादशाह बनाया, और उनके हाथों में ख़जाने हैं। अब ये इसकी तकसीम अब उनके ज़िम्मे है क्योंकि उसको इख्तियार दिया है ताकि पता चले आदिल बनता है कि ज़ालिम बनता है। तकसीम अब वो करता है, अब तकसीम में वो जो है वो जुल्म करता है, किसी को इतना दे दिया उसने सारा समेट लिया और दूसरे को पानी का घूंट नहीं मिला। तो ये जुल्म इंसान खुद अपने आप पे कर रहा है, अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा। इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यज़लिमु अन्नास शैया, अल्लाह इंसानों पे एक रत्ती जुल्म नहीं करता। और दूसरी मुकाम फरमाया कि वलाकिन नास यज़लिमून, कि लेकिन लोग जो अपने आप पे खुद जुल्म करते हैं, लोग अपने आप पे खुद जुल्म करते हैं, अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करता। और ये जुल्म कि तकसीम दौलत जो है या रिज़्क़ की तकसीम जो दुनिया के अंदर इंसान अपने अदल के मुताबिक नहीं करता। अगर अदल के मुताबिक करे तो अल्लाह ने जो है पूरा साल साल का कोटा हमेशा उतारा होता है बराबर बराबर, जिसको पूरा पूरा हिस्सा दिया जाए तो कोई भूखा ना मरे। एक होता यह है एक ने जो तिजोरियाँ खजाने की बना रखी हैं और दूसरे पर रोटी का टुकड़ा नहीं है, कोई कि इसने उसका भी छीन लिया। तो ये कसूर इंसानों का अपना है, इसमें अल्लाह का नहीं। अल्लाह ने जो मलाइका है उन मलाइका के जैसे रिज़्क़ उतार दिया, अब दूसरे ने रिज़्क़ उठा लेके भाग गया। अब एक चोर चोरी करके किसी का माल ले जाता है और चोर खाता है, तो उस चोर ने क्या खाया, उसने उसका खाया जी, अपना नहीं खाया। तो भाई यही हो रहा है असल में। तो ये अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ की कमी नहीं, अल्लाह ने सबका पानी भी बराबर उतारा और रिज़्क़ भी बराबर उतारा, लेकिन लोग खुद जो है इस जुल्म का शिकार होकर लूट घसूट करके जो है वो किसी को भूखा मारते हैं तो ज़ालिमों में लिखे जाते हैं, क्योंकि ज़ालिम भी तो तकवीनी तौर पर पैदा होने ताकि जहन्नम की आग के अंदर जलने वाले भी तो हों और जन्नत के अंदर भी सजने वाले होंगे, जो आदिल होंगे जन्नतों के अंदर सजाए जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने निज़ाम रखा। तो कमी अल्लाह ने अपनी तरफ से नहीं छोड़ी और अपनी पूरी आदिलाना बादशाहत के साथ अल्लाह काम कर रहा है, लेकिन जुल्म इंसान खुद अपने आप पे करता है, जिसकी वजह से वो सही जो है वो मकासद हासिल नहीं कर सकता। बहुत खूब। ये सवाल ऐसा कन्फ्यूजन वाला था और आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया। और इसमें यह है कि जो जालिम है उनको सज़ा मिलेगी और अल्लाह इंसाफ करेगा। वो पहले भी बात हुई, पिछले सेगमेंट में ये बात हुई, तो अल्लाह ने तो इंसाफ करना है। बहुत खूब।